मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हमारा पांचवा दिन है गाइस। हम बैठे हैं बस में, अब हम जा रहे हैं रिमार्केबल्स, जहाँ पर हम बहुत सारी स्नो देखने वाले हैं और वहाँ पे काफ़ी स्की वगैरह होती है। वेदर बहुत ख़राब है लेकिन हम फिर भी जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या सीन बनता है। तो लेट्स गो। तो गाइज़, अगर आप क्वींसटाउन में हैं तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं स्की करने के लिए। एक है कॉर्नेट पीक का स्की एरिया और दूसरा है रिमार्केबल स्की एरिया। तो दोनों ही जो है मिड जून से लेकर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक हमेशा खुले रहते हैं। और अगर आप वानाका की तरफ जाते हैं तो वहां पर आपको मिलते हैं कार्ड्रोना अल्पाइन रिजोर्ट और ट्रेबल कोन। ये दोनों ही वहाँ के स्की एरियाज हैं जो कि सेम मिड जून से लेकर मिड अक्टूबर तक ओपन रहते हैं। ये फेमस रिमार्केबल स्की एरिया इज ऑल अबाउट फन, फैमिली एंड फाइंडिंग योर फ्रीडम। 40 मिनट के सिनिक ड्राइव के बाद आप सेंट्रल क्वींसटाउन से पहुंचते हैं बेस्ट स्की टेरेन पर, जहां पर आपको मिलता है लर्नर्स एरिया फर्स्ट टाइमर्स और बिगिनर्स के लिए। प्रोग्रेशन कैरी करता है रेंज ऑफ पार्क से स्मॉल से बिग लाइंस, बेस्ट ट्रेल्स, एक्सप्लोर से मोर एडवेंचरियस फ्री राइड टेरेन तक। ओवर 380 हेक्टेयर्स ऑफ टेरेन है ये। यहाँ पर आपको मॉडर्न फैसिलिटीज विद कैफेज, रेस्टोरेंट्स, आइस बार्स सब मिलते हैं। आप यहाँ माउंटेन को एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने ओन पेस पर। एंजॉय करें कीवी हॉस्पिटैलिटी अलोंग द वे। इक्विपमेंट्स हायर कर सकते हैं किड्स और एडल्ट्स के लिए। एक्सपीरियंस और फन कोचेस अवेलेबल हैं आपको स्की और स्नोबोर्ड लेसेंस देने के लिए। इसके लिए आप एडवांस में बुकिंग जरूर करा लें। Those instructors with the red jacket, they're all instructors. So Ty, the instructors over there. Go chat to them. Amazing. So guys, हम पहुंच गए हैं रिमार्केबल। यहाँ पर आप आते हैं तो आपको देखिए रेंटल के लिए आपको स्की बोर्ड वगैरह सब कुछ मिल जाती है। आपको स्की करने के लिए जो भी जैकेट वगैरह चाहिए, पैंट चाहिए, शूज हैं, सब कुछ आपको यहाँ मिलती है। यहाँ पर लर्नर्स क्लासेस भी होती हैं जो कि सुबह 9:30 बजे शुरू होती हैं और करीब 3:30 बजे तक लर्नर्स क्लासेस वगैरह होती हैं और उनको पूरा ट्रेन करके भेजते हैं। Awesome place, जबरदस्त जगह। Chilling. Chilling. और क्या एक्सपीरियंस आपको लगता है यहाँ पे? Blood is frozen. Blood is frozen. But amazing place. Stunning view. तो गाइस, मेलविन और जोनाथन दोनों को ही मिल गया है उनका कोच जो कि उनका लर्नर्स क्लास लेने वाला है। हमने एडवांस में ही हमारा लर्नर्स बुक करा दिया था तो इनकी अभी करीब 3-4 घंटे की लर्नर्स क्लास होने वाली है। तो गाइस, अब मैं आपको छोड़ता हूं इस खूबसूरत वादियों में। आप एंजॉय करें इस स्की एरिया को, द रिमार्केबल्स, और आने वाले टाइम में आप देखेंगे बहुत सारा स्नो भी हमारे ऊपर बरसने वाला है। तो एंजॉय एवरी मोमेंट। आई विल गेट बैक टू यू सून। Too many days in the darkness, without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, head pulled down over your eyes. Every part of you wants to surrender, darling, you were meant to survive.
गाइज स्नो बहुत ज़्यादा हैवी गिर रही है और देखिए दोनों के पास में सनीज नहीं थे तो मैंने अपना सनी छोटे बेटे को दे दिया ताकि वो अपनी आँखों को बचा सकें। तो गाइस दोनों बेटों की स्की और स्नोबोर्डिंग की लर्नर्स क्लासेस शुरू हो चुकी हैं तो हम आपको ले चलते हैं। ये देखिए यहाँ का रेस्टोरेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सिटिंग अरेंजमेंट है, आप कॉफी टी स्नैकिंग कुछ भी कर सकते हैं। और ये इसके पीछे का एरिया है जहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए माउंटेन्स फुली कवर्ड विद स्नो है और यहाँ पर जो अपनी गाड़ी लेकर आते हैं उनके लिए कार पार्क भी है और जो बस से आना चाहते हैं उसकी कॉस्ट तकरीबन $25 पर हेड है। तो ये बस आपको लेकर आती है क्वींसटाउन सेंट्रल से और वापस लेकर भी जाती है। और ये देखिए यहाँ पर आपको रेंट आउट करने के लिए स्की रिलेटेड सारी चीजें मिलती हैं, हेलमेट है, सनीज, ग्लासेस, अगर आप खरीदना चाहे तो आप खरीद भी सकते हैं, और ग्लव्स हैं, सारी चीजें जो आपको स्की और स्नोबोर्डिंग रिलेटेड चाहिए सारी यहाँ मिल जाती हैं आपको। तो गाइस करीब 3 बज चुके हैं, हम रिटर्न आ चुके हैं क्वींसटाउन सेंट्रल की तरफ और अब आप देख सकते हैं हम जा रहे हैं ऑन द वे टू क्वींसटाउन सेंट्रल मार्केट में सीबीडी एरिया में और पीछे आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा माउंटेन है और ये सारे ऑफिसेस वगैरह बने हुए हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड में। और अब आप नोटिस करेंगे यहाँ का जो फ्यूल प्राइस है, पेट्रोल की कीमत करीब 3.35 पर लीटर की कॉस्ट है और जो कि काफी एक्सपेंसिव है। और आप देख सकते हैं ये है लेक वाकाटिपू जो कि हमारे रोड के लेफ्ट हैंड साइड में कॉन्टिन्यूसली सीबीडी एरिया तक चलता है और अब हम पहुंच चुके हैं सीबीडी एरिया में। तो गाइज ये है सेंट पीटर्स चर्च जो कि हार्ट ऑफ द सिटी क्वींसटाउन में बसा हुआ है जो कि लेक के एज पर है और ब्यूटीफुली स्टोन बिल्डिंग बना हुआ है ग्रास पार्क लाइक सिटिंग के साथ। सेंट पीटर्स चर्च में अप्रोक्सीमेटली 130 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी है और इसमें आपको मिलेगी ब्यूटीफुल फर्नीचर आइटम्स, मोस्ट नोटवर्थी कार्व्ड ईगल लेक्टर्न जो कि काम था एक चाइनीज मैन का जिसका नाम था अर्थोंग इन 1874। इस एंजेलिकल चर्च के फाउंडर इन 1861 थे फर्स्ट सेटलर विलियम गिल्बर्ट रीस। तो गाइस हम आपको लेके चलते हैं आर्ट बे गैलरी, यहाँ पर आपको मिलती है एलिगेंट और सोफिस्टिकेटेड हिस्टोरिक आर्टवर्क। यहाँ आपको टैक्स फ्री सेल्स, ग्लोबल डिलीवरी और आर्ट कंसल्टेंसी फ्री मिलती है। स्पेशलिस्ट गैलरी कंसल्टेंट आपको मदद करते हैं आपको सेलेक्ट करने में आपका लेगेसी पीस से लेकर फाइंड करने में आपको आइडियल वर्क आर्ट को। यहाँ आप देख सकते हैं वाइब्रेंट, डाइवर्स और एवर चेंजिंग कलेक्शन ऑफ आर्ट वर्क है न्यूजीलैंड का और आप देखें और एंजॉय करें। तो गाइज अगर आपको लगता है कि आप फियरलेस हैं तो आप फियर फैक्ट्री में जरूर जाएं और ये एक्सपीरियंस काफी डरावना हो सकता है। अगर आप दिल से बड़े स्ट्रांग हैं, कमजोर नहीं हैं, तो गिव इट योरसेल्फ अ ट्राई। मैं आपको जस्ट ऊपर से दिखाता हूँ, इट वॉज अ वेरी वेरी फियरफुल एक्सपीरियंस।
तो गाइज अब हम आपको लेके चलते हैं -5 degree आइस बार। एज द नेम सजेस्ट, अंदर का जो टेम्परेचर है वो -5 degree रहता है। अंदर घुसने से पहले आपको प्रोवाइड किया जाता है एक जैकेट, ग्लव्स और वार्म फुटवेयर्स। और अंदर सारी जो चीजें बनी हुई होती हैं वो सारी की सारी आइस से बनी होती हैं, जैसे कि बेंच, टेबल और आपको जो ग्लास मिलता है जिसके अंदर आपको कॉकटेल प्रोवाइड की जाती है वो भी आइस की ही होती है। और जब आप अंदर घुसते हैं तो आपको देखने को मिलते हैं ब्यूटीफुल हैंड कार्व्ड आइस स्कल्पचर्स। आप एंजॉय कर सकते हैं डिलिशियस वोडका कॉकटेल। अंदर आपको अगर चाहिए तो 2 कॉकटेल भी ले सकते हैं। आपको पड़ती है $37 पर एडल्ट एक कॉकटेल के साथ। अगर आप 2 कॉकटेल लेना चाहते हैं तो आपको पड़ती है $42 के साथ। Alright guys, that wraps up our 5th day in Queenstown. अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज एक थम्स अप जरूर कर देना। और अगर आप इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय फॉर नाउ।